फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 24th October को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ये कैंडल बना था तो हम लोगों ने क्लियरली मेंशन किया था अब एक दो दिन कहीं जाने वाला नहीं और इसके बीच में ही ये शेयर ट्रेड कर सकता है। एग्जैक्टली हम लोगों ने ये लेवल यहाँ पे लिया था नीचे की ओर और ऊपर की ओर और यहाँ पे लेवल लिया था 1700 का। तो दो तीन दिन हो गया अब इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये ऊपर या फिर ये नीचे या फिर इसी डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम करेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई नज़र आ रही है जिस तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे गैप ऑफ ओपन हुआ। गैप ऑफ ओपन होने के बाद ये दो तीन दिन से अपने आप को उसी लेवल सेम लेवल पर कंटिन्यू किया है, ठीक है। और ये यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद ग्रीन कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो और अपने हाई को भी दो बार तीन बार रिटेस्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बता रही हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके ये टेक्निकल्स अगर इसको हम लोग फॉलो करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हम लोग को यहाँ पे एक रेंज नज़र आ रही होगी, ठीक है। हम इसी रेंज को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस रेंज को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे स्विंग जो मिला है इसको हम लोग यहाँ पे हाई लगा लेते हैं 1750। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे 1768 तक का एक कुछ यहाँ पे प्लानिंग सोच सकते हैं। एंड नीचे की ओर अगर ये यहाँ पे 1706 का ब्रेकडाउन करता है 1706 का तो ये जो गैप है 1690 तक का हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में ट्रेड करता है तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे और ये लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो हम लोग इस तरीके के जो लेवल डिस्कस किए हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है तो अगर ये नीचे आएगा तो जिस ये लेवल को अगर ब्रेक नहीं करना होगा तो इसको ब्रेक नहीं करेगा और यहीं से ये रिटेस्ट करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो इस तरीके से HDFC बैंक में हम प्राइस एक्शन पैटर्न देख सकते हैं। कोई भी डिसीजन फाइनल एनालिसिस के बाद अपने दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।